उन्हें सील किए जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, सरकार का एक रूल है, करना भी चाहिए कि वोट में कहीं आगे पीछे ना हो जाए, तो प्रॉपर वे जहां जाने हाईकोर्ट में वहां जाएंगे। कानून स्टे ऑर्डर लिया ही नहीं है, कौन बोल रहा है आपको स्टे ऑर्डर लिया है? वायरल हो चुका है सोशल मीडिया पे, पर वो स्टे ऑर्डर नहीं है ना, जो उन्होंने डायरेक्टर कहीं लिखा नहीं है ना ये स्टे ऑर्डर है, प्रोसीजर हो गया, ऐसा नहीं, प्रोसीजर हो गया, वो स्टे ऑर्डर नहीं है। अब हम लोगों को मिसगाइड करने वो चार पांच आ गए तो क्या कर सकते हैं, सारे उधमपुर को एटलीस्ट में। कौन लोग थे जो अंदर आए थे? अभी मुझे आपकी तरफ से क्या कार्रवाई उठ रही है? अभी तो वही मैंने आपको बताया ना, मेरे को, मैं जिनको जानती हूँ रोहित सेठी, और अभी दो तीन नाम देखते हैं, बताते हैं उसमें क्या है। बाकी एक बात बताएं मैम, सीईओ ऑफिस का एक ऑर्डर सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है जिसमें पूरा वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग वही फाइनल है। सवाल बड़ा ये है कि अगर सोशल मीडिया पे दुनिया में वायरल कर दिया गया, आप काउंसलर्स यहाँ पे जिन्होंने डेट किया है, या मीडिया यहाँ बाहर खड़ा हुआ है, अभी तक आपको या मीडिया के सामने सीईओ साहब ने क्यों नहीं बताया? देखिए हमने तो, उन्होंने तो अंदर बोल दिया, डिक्लेयर कर दिया जब हम सारे काउंसलर्स बैठे थे। अब वो बाहर क्यों नहीं बता रहे हैं ये उनकी प्रॉब्लम है, ये हमारी नहीं है। फिर जब ऐसा कुछ गड़बड़ होता है तो ये सबको समझ आती है, अब बच्चा तो कोई भी नहीं है ना, कि क्या है सीईओ का क्या मंशा है या बाकी की क्या मंशा है। ये कोई ऑर्डर नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है। इसमें हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है, ऑर्डर हुआ है While awaiting the reply of respondents, it is provided that voting on no confidence motion pursuant to the impugned no confidence motion dated 9th of September 2022 and notice dated 19th September 2022 issued by respondent number 4, Chief Executive Officer Municipal Council Udhampur, shall go ahead. मतलब election जो notice उन्होंने issue किया है, election conduct करवाएंगे वो. However, it is directed that the result of the voting shall not be declared. And the same shall be kept in by the respondent number 4 in a sealed cover till next date of hearing. और अगली तारीख इस केस में फिक्स हुई है 14 नवंबर 2022। जिसको ऑर्डर की कॉपी चाहिए ये ले सकते हैं हमारे से। सर जो नॉर्मल लोग देख रहे हैं पूरा प्रोसीजर, मैं आपको बता देता हूँ, पहले मैं सीईओ सर को ये ऑर्डर की कॉपी प्रोवाइड। सरल भाषा में इस ऑर्डर का मतलब ये है कि जो डॉक्टर योगेश्वर के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हुआ था पहली तारीख को और उसके बाद 9 तारीख को, उसके अगेंस्ट रिट पटीशन फाइल हुई थी, और जो ऑर्डर जो है 19 तारीख को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्युनिसिपल काउंसिल उधमपुर ने नो कॉन्फिडेंस मोशन पे वोटिंग करवाने के लिए जो है इशू किया था, उसके अगेंस्ट हमने रिट पटीशन फाइल की थी ऑनरेबल हाईकोर्ट ऑफ जेएनके जम्मू में, वहां पर वो केस का लिस्ट हुआ था। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्युनिसिपल काउंसिल उधमपुर, उनके काउंसिल भी अपियर हुए, जो अदर प्राइवेट रिस्पॉन्डेंट जो बाकी काउंसिलर्स है जिन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया था, उनके वकील भी वहां पर मौजूद थे। सबकी मौजूदगी में बहस हुई, कोर्ट ने ऑर्डर जो है वो रिजर्व रखा था आज के लिए। आज कोर्ट ने ये ऑर्डर अनाउंस किया है, कोर्ट ने ऑर्डर अनाउंस किया है कि जो है इसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो उन्होंने नोटिस इशू किया है इलेक्शन का, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वोटिंग का, उस इलेक्शन को वो कंडक्ट करवाएंगे, मगर उसका रिजल्ट वो डिक्लेयर नहीं करेंगे, वो रिजल्ट सील कवर में रहेगा। 11 से 2 बजे का समय रखा गया था, लेकिन जो यहाँ पर जो अभी आप स्टे लेके आए हैं 5 बज रहे हैं जी, तो क्या कहेंगे? सर ऐसा है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को पहले ही इन टाइम कन्वे कर दिया गया था कि हाईकोर्ट ने ऑर्डर इशू कर दिया है, और उनको हमने कहा था कि अगर आपको हमारी वर्बल बात पर यकीन नहीं है तो आप जो है अपने जो उनके एडवोकेट जनरल डिप्टी एडवोकेट जनरल आपको पहले ही आगाह कर दिया गया, हमने उनको इन्फॉर्म कर दिया था कि स्टे हो गया है 2 बजे के बाद इन्फॉर्म किया गया 2 बजे, क्योंकि 2 बजे तक वोटिंग थी। हाँ। हमें जब ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली, ऐसा है जब तक ऑर्डर की कॉपी हमारे पास नहीं आई तब तक हमने सीईओ साहब को कुछ नहीं कहा। जब हमारे पास ऑर्डर की कॉपी आई तो हमने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को आप सबके सामने आगे कन्वे कर दिया था कि जो है इलेक्शन का रिजल्ट स्टे हो गया है, अब आप रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते। तब तक अगर रिजल्ट डिक्लेयर हो गया होता, क्योंकि 2 बजे इलेक्शन प्रोसेस खत्म हो गया, उसके बाद जो फॉर्मेलिटीज थी इनकी कि रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं, उसके पहले जो उन्होंने प्रिपरेशन करनी थी वो कर सकते, वो उन्होंने की प्रिपेयर, उन्होंने प्रिपरेशन जो है, बट रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले जब हमारे पास ऑर्डर की कॉपी आ गई, हमने इनको आकर ऑर्डर मीटिंग सीईओ साहब की तरह से निकाला गया है, उनका पूरा ऑर्डर नंबर लगा हुआ है वो जी, इसके आने से पहले, स्टे आने से जी मिनट सा मिनट देखिए उसके बारे में वो बता सकते हैं। हम आपको हाईकोर्ट के ऑर्डर बता सकते हैं, इसमें हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया है कि रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करेंगे सीईओ साहब जब तक कि हाईकोर्ट का ऑर्डर नहीं हो जाता, और अगली डेट इसमें 14 नवंबर 2022 फिक्स है। चैलेंज किस चीज को लेके किया गया था नो कॉन्फिडेंस मोशन में, क्या ऐसी चीज? सर इसमें कंपोजिट रिट थी, ये 3 ग्राउंड्स पर रिट फाइल हुई थी। वहां पर नंबर 1 ग्राउंड थी कि डॉक्टर साहब के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पहली सितंबर को मूव हुआ था, उसके बाद 9 सितंबर को सेकंड मोशन मूव हुआ,
एक तो हमने इस चीज को चैलेंज किया था कि म्यूनसिपल एक्ट के मुताबिक एक साल के अंदर सेकंड मोशन मूव नहीं हो सकता, और दैट टू जब पहला मोशन जो है उसको इन्होंने विड्रॉ नहीं किया था, पहला मोशन आज की डेट में भी विड्रॉ नहीं किया है। एक तो इस ग्राउंड पर चैलेंज किया था हमने जो है, दूसरी ग्राउंड जो इनके अगेंस्ट जो हमने जो चैलेंज किया था वो इस ग्राउंड पर किया था कि कुछ काउंसलर जो है उनके अगेंस्ट जो है एंटी डिफेक्शन लॉ में जो है प्रोसीडिंग पेंडिंग है, और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने रिकॉर्ड कॉल किया है अपने पास, उसमें नेक्स्ट डेट जो है 23 तारीख पड़ी थी। तो जब तक जो जिनके अगेंस्ट एंटी डिफेक्शन का प्रोसीडिंग पेंडिंग है उनका फेट डिसाइड नहीं हो जाता, तब तक नो कॉन्फिडेंस मोशन का फेट डिसाइड नहीं हो सकता। नंबर दो, नंबर तीन, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने जो नोटिस इशू किया था 19 तारीख को, इलेक्शन जो 22 तारीख की डेट फिक्स की थी, हमने उसको चैलेंज किया था इस ग्राउंड पर कि वो जो है उसके लिए जो लॉ में रिक्वायरमेंट थी टाइम की जो है उसको प्रॉपरली फॉलो नहीं किया गया था। तो उस सबको जो है कोर्ट ने ध्यान से सुनते हुए हमारे पक्ष को भी और जो जिन काउंसलर्स ने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया था उनको भी सुना, जो गवर्नमेंट के स्टैंडिंग काउंसिल थे उनको भी सुना, लास्ट में कोर्ट ने जो है ये फैसला दिया है और मैं ये समझता हूँ कि सच्चाई की जीत हुई है। देखिए यहाँ पर जो है तरह से बता दें हम कि कोर्ट के आर्डर वो दिखा रहे हैं कि कोर्ट के आर्डर वो दिखा रहे हैं, उनका कहना है कि स्टे लगा दिया गया है इस रिजल्ट के ऊपर। लेकिन अगर बात की जाए तो जिस तरह से पहले ही अटकलें लगा जा रही थी कि इस रिजल्ट को देरी क्यों की जा रही है घोषित करने में, और कहीं ना कहीं यही कारण था कि शायद स्टे इसको लगाना था, लेकिन अब आगे देखना होगा कि आखिरकार क्या नतीजा जो है वो निकल के बाहर आता है। फिलहाल तब तक आप लोग बने रहिए दैनिक स्टेट समाचार के साथ, अगली कोई भी जानकारी होगी तो हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे।